अफजलगढ़ ई रिक्शा स्वामियों ने एक शासन की ओर से पंजीकरण कराने के लिए दी गई थी तिथि बढ़ाने की मांग की। इस संबंध में एसपी को संबोधित एक ज्ञापन कोतवाल को सौंपा। ई रिक्शा स्वामियों की ओर से कोतवाल मनोज कुमार सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि सभी लोग ई रिक्शा चालक हैं और ई रिक्शा चलाकर अपना व परिवार का पालन पोषण करते हैं। ई रिक्शा चालकों ने ज्ञापन में एसपी से पंजीकरण का समय बढ़ाने की मांग की है। चेयरमैन साहब, आज ये कोतवाली पर सब लोग ई रिक्शा वाले इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला, जरा इस संबंध में जानकारी दीजिए। इन रिक्शे वालों का बेचारों का, ये गरीब लोग हैं, इनका ये मामला है कि इन्होंने अपनी रिक्शाएं चलानी है और रिक्शाएं चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है इन्होंने। तो हमारी भी कोतवाल साहब से मांग है कि कप्तान साहब द्वारा ये हमारा लेटर भेजा जाए और कहा जाए उनसे कि थोड़ा सा एक तो टाइम दे दिया जाए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सब तैयार हैं कि हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इनकी समस्या यह है कि कुछ पे रसीदें नहीं हैं। जो एजेंसी वाले हैं उन्होंने बहुत लोगों को तो रसीदें दे रखी हैं और बहुत को नहीं दे रखी हैं। ये अगर जो जाते हैं तो वो इन्हें थोड़ा बहुत टाल मटोल करते हैं, तो वो हम जाएंगे उनके पास और इनकी रसीद दिलवाएंगे। ये कितना समय चाह रहे हैं इस संबंध में? ये लगभग 15 से 20 दिन का समय चाह रहे हैं कि हमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 15 से 20 दिन या एक महीने का समय मिल जाए तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। और इनकी एक दूसरी डिमांड और भी है, वो हमसे ही डिमांड कर रहे हैं, मुझसे ही कर रहे हैं कि कोशिश ये करें कि नगर पालिका से ही हमारे रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो इसका भी हम भरसर प्रयास करेंगे, कप्तान साहब के पास भी जाएंगे और डीएम साहब के पास भी जाएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इन रिक्शे वालों की मांग स्वीकार कर ली जाए और नगर पालिका को यह अथॉरिटी दे दी जाए कि इन रिक्शे वालों के रजिस्ट्रेशन कर दिए जाएँ और जो टैक्स वसूली है तो वो रोड टैक्स हम नगर पालिका द्वारा दें और नगर पालिका उसे फिर राजस्व में भेज दें।